Hi guys, this is Amore. I will explain you an editorial from the Hindu. Today date is 13th May 2023. आज 13 मई है और मैं आपको पूरा का पूरा एडिटोरियल एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिंदी में, जैसा कि मैं डेली करता हूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं, हिंदी बैकग्राउंड से, वो भी समझ पाएँ. ठीक है, आज का हमारा एडिटोरियल का टाइटल है असिमेट्री पावर. असिमेट्री जानते हो क्या होता है? बिल्कुल जानते हो, मैं बता देता हूँ. पहले तो समझने की कोशिश करना है कि जब हम छोटे थे और मैथ पढ़ते थे तो वहाँ पे बोला जाता है कि जो बी है और इसका सिमेट्रिकल पोर्शन बताइए क्या होगा. तो जाहिर सी बात है, हम इसे डिवाइड कर देते थे और ये वाला पार्ट सिमेट्रिकल बोल देते थे, ये करते थे ना. तो ठीक वैसे ही सिमेट्री का मतलब हो गया, ये वाला पार्ट ये पार्ट क्या है, सेम है, यही बोलते थे ना. सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, सेम, यानी कि एक जैसा. क्लियर? और आ लगा दूँ तो ये हो गया उसका ओपोजिट, यानी कि एंटोनिम बन गया, यानी कि असमान. ठीक है, तो असमान पावर. ठीक है, पावर मतलब शक्ति. ठीक है, इसमें है क्या, इसमें दिल्ली के सीएम यानी अरविंद केजरीवाल और उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, इन दोनों लोगों में हमेशा झगड़ा रहता था कि ये पावर किसके पास है, यानी कि ये काम कौन करेगा. इस बात का क्या रहता था, हमेशा झगड़ा रहता था. अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है. क्या दिया है? डिसीजन दिया है कि ज़्यादातर चीज़ें दिल्ली सरकार के दायरे में आने वाली हैं. क्लियर है? तो जाहिर सी बात है, दिल्ली सरकार के दायरे में आएंगी तो दिल्ली सरकार अपना काम करेगी. देख लेते हैं क्या है. टॉप कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर, रूलिंग ऑन का मतलब मेक अ डिसीजन, यानी डिसीजन देना. सर्विसेज पर जो सेवाएं दी जाती सरकार द्वारा, इज अ बूस्ट. बूस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हेल्प करना एक तरीके से, ठीक है, प्रोत्साहन करना, आगे बढ़ाना. फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए आगे कोर्ट ने हेल्प की है. ठीक है, डिसीजन दिया है दिल्ली सरकार के लिए. क्लियर है? तो कहने का मतलब है, अब दिल्ली सरकार जो है एकदम फ्री है काम करने के लिए. एलजी से परमिशन कुछ केस में लेनी पड़ेगी, कुछ केस में ना लेनी पड़ेगी. अब क्या क्या होगा वो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे तब पता चलेगा. हम लोग अभी फ़िलहाल क्या करते हैं भाई, एडिटोरियल पढ़ लेते हैं. और एडिटोरियल पढ़ने के साथ साथ हम पढ़ेंगे बुकैब. ठीक है, बुकैब पहले पढ़ लेंगे, फिर कर लेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं आपको बता दूं, अगर आपने पूरी वीडियो देखते हो तो मैं कुछ रूल बताने वाला हूं जो आपको हमेशा काम आने वाले हैं. ठीक है, और हाँ, इसकी PDF जरूर ले लेना. PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर. तो जिसका लिंक मैंने नीचे आपको प्रोवाइड करा दिया, वहाँ जाइए, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से PDF ले सकते हो. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं भाई क्या है. ठीक है, हमारा फर्स्ट वर्ड है असिमेट्री, मतलब असिमिति, यानी कि डिसिमेट्री या इम्बैलेंस, जहाँ पे कोई बैलेंस ना हो. हारमोनियस, हारमोनियस का मतलब सामंजस्यपूर्ण, अनुरूप बोल सकते हो, प्रोपोर्शनेट बोल सकते हो, या सिमेट्रिकल बोल सकते हो आप. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखना, याद कर लेना. रेंगल का मतलब होता है बहस करना, वाद विवाद करना, क्वारल या ब्रॉल भी बोल सकते हो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सागा का मतलब होता है विस्तृत कथा, यानी कि अ नरेटिव टेलिंग एडवेंचर ऑफ अ हीरो, यानी कोई भी कहीं भी कठिन कोई परिस्थिति आ गई हो, वो लंबे समय तक चली हो, उसको नरेट करना. क्या करना? उसको नरेट करना, बताना, ये सब क्या कहलाता है, सागा कहलाता है. ले डाउन का मतलब होता है, ये तो गलत हो गया, स्थापित करना होता है वैसे, ठीक है, ये गलत टाइप हो गया. निर्धारित करना, इंस्टीट्यूट करना, एनेक्ट करना, एस्टेब्लिश करना, ठीक है, ये क्या है सिनोनिम में. इन सो फार का मतलब होता है तक, यानी कि ये एडवर्ब है. इन सो फार ऐसे भी बोल सकते हो या सो फार भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. रिमिट का मतलब घटाना भी होता है और किसी भी चीज़ को सौंपना देना भी होता है. जैसे हम डिमिनिश बोल सकते हैं रिमिट के घटाने के फॉर्म में. डेफर मतलब टालना, हटा देना, पुट ऑफ करना है, ठीक है, वो सारे सेंस होते हैं. स्वी जेनरिस बहुत ही अच्छा वर्ड है और इसका मतलब होता है अद्वितीय या फिर यूनिक. एम्ब्रॉयल का मतलब उलझाना, आपत्ति में डाल देना, ठीक है, यानी कि ड्रैग, घसीटना किसी को, फोर्स इंटू सम काइंड ऑफ सिचुएशन कंडीशन, यानी कुछ ऐसी सिचुएशन में डाल देना जिसमें कंडीशनल चीज़ें ज़्यादा हों, फिर परेशानी में आ जाएगा इंसान. ठीक है, इलेट का मतलब उल्लासित होना, प्रफुल्लित करना या अपलिफ्ट, इंटॉक्सिकेट, फिल विद हाई स्पिरिट, क्या कर देना, उसके अंदर जोश भर देना, इलेट कर देना. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. एंटागोनिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आया हुआ है. बैरभाव, शत्रुता, एनमिटी, हॉस्टिलिटी, ठीक है. अबीट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है. घटाना, कम करना. डाई डाउन, लेटअप, ठीक है. और लेटअप ये फ्रेजल वर्ड ना, यहाँ लिख दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. स्लेक का मतलब ढीला होना, शिथिलता होना. तो ये थी बुकैब की PDF, जरूर ले लेना. कहाँ से मिलेगी? टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है. और हाँ,
एक काम और जो बेहद ज़रूरी है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, जिससे कि ये चीज़ें मैं रेगुलर वे में बना पाऊँ। मुझे लगता है कि हाँ, अगर मुझे ये लगेगा कि आपको लगता है फ़ायदा है तो देन मैं उसे कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज आई विल मेक करवा दूँगा, स्टॉप करवा दूँगा। ठीक है, डू नॉट लाफ अदर्स मिस्टेक, क्या कहना चाहता है ये? पहले तो ध्यान रखना, एक वर्ड होता है लाफ, ठीक है, वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और जब हम किसी दूसरे को मजाक बनाते हैं तो उसके साथ हमेशा क्या आता है, एट प्रीपोजिशन आती है, तो डू नॉट लाफ अदर मिस्टेक, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत आसान था और आसानी से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ही कुड नॉट कोप द हैवी वर्कलोड। अच्छा ध्यान रखना, आप ये क्वेश्चन हमेशा गलत करोगे, और हमेशा मेंस में पूछा जाता है ये, कभी कभी प्री में भी पूछ लिया जाता है, और मैं बता दूं ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको आ गया तो बेटर, नहीं आया तो फिर गलती जरूर करोगे। ठीक है, आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ, कोप विद, ठीक है, इसके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन रहती है विद, और इसका मतलब किसी भी चीज़ को मैनेज करना, क्या होता है, मैनेज करना। ठीक है, अब कभी आप लगाओगे कोप अप लगाओगे, कभी आपका सेंस में बहुत आता है, कोप अप बोलते हैं ज़्यादातर लोग, तो वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन जो डी ऑप्शन दे रखा है आपका, उस पर टिक करना, वही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों ही क्लियर हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो एक बार ट्राई करना खुद से भी। ठीक है, अब चलता हूँ सीधे सीधे मैं एडिटोरियल पर। एडिटोरियल देखिए, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, असिमेट्री पावर, जहाँ पावर में शक्तियों में असमानता हो, ठीक है, जीतने के बावजूद भी, तो उस एडिटोरियल को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है कि क्या क्या असमानताएं हैं। ठीक है, टॉप कोर्ट रूलिंग ऑन, रूलिंग ऑन का मतलब मेक अ डिसीजन होता है। ठीक है, ठीक है, तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टॉप कोर्ट रूलिंग ऑन मतलब किसी भी चीज़ का, ठीक है, मेक अ डिसीजन यानी कि डिसीजन देना। सर्विसेज पर टॉप कोर्ट इज बूस्ट फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन दिल्ली, कि दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बाहर लाने के लिए, दिखाने के लिए। ठीक है, कौन करेगा हेल्प, सुप्रीम कोर्ट हेल्प करेगा। तो ये हो गया आज का टाइटल सब टाइटल, मैं अब कर देता हूँ पूरा एडिटोरियल एक्सप्लेन क्लॉज बाई क्लॉज। अब यहाँ से देखिए क्या कहना चाहता है कि असिमेट्रिक फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब होता है संघ, यहाँ यूनिटी होती है, हैज़ बीन पॉजिटिव फीचर, ये एक पॉजिटिव फीचर है यहाँ का, ऑफ इंडिया पॉलिटी, इंडिया की पॉलिटी का फेडरलिज्म एक पॉजिटिव फीचर है, जो कि अभी कैसा होता है, असिमेट्रिक हो गया है। ठीक है, लेकिन इवन द मोस्ट प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक बोले तो प्रैक्टिकल, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आपका प्रैक्टिकल अरेंजमेंट देखें, ठीक है, अरेंजमेंट देखें, मे नॉट अलाउ गारंटी, ये और मे नॉट ऑलवेज गारंटी, गारंटी नहीं देता है किस चीज़ की, हारमोनियस रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूट यूनिट, कि जरूरी नहीं है कि यहाँ चुनाव जो किया गया है उसमें और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें हारमोनियस, मतलब एक सामंजस्यपूर्ण मैत्री वाला, ठीक है, यानी फ्रेंडली रिलेशन हो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा ऐसा क्यों, वो आगे हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा, फिलहाल देखना कि ये लिखा है द मोस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है, प्रैग्मेटिक, ठीक है, अरेंजमेंट मे नॉट ऑलवेज गारंटी, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक, जो प्रैक्टिकल तौर पर अरेंजमेंट है वो गारंटी दे किस चीज़ की, कि जो रिलेशन होंगे वो कैसे होंगे, शांतिपूर्ण होंगे और एक मैत्रीपूर्ण होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस का हिंदी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। अब मैं दूसरे सेंटेंस को करता हूँ हाईलाइट और फिर करूँगा मैं उसे एक्सप्लेन, ताकि आप अच्छे से समझ में, देखो क्लॉज ये हो गया हमारा, और दूसरा क्लॉज हमारा कहाँ जाके बन रहा है, सेंटेंस ही ओवर हो रहा है इसमें। ठीक है, इसे ही देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या कहता है, रैंगलिंग, रैंगलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ में झंझट होना, वाद विवाद होना, लड़ाई झगड़ा होना, बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच में, तभी बिटवीन आता है ना, तो बिटवीन दो लोगों के बीच के लिए आता है। द यूनियन गवर्नमेंट हो गई यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट की सरकार, ठीक है, तो GNCTD शॉर्ट में बोल दिया हैज़ बीन एन एंडलेस सेगा, ये क्या हो गया, एक नरेटिव बन गया, कहानी बन गई है कि चला आ रहा है पुराने तौर से,
फॉर ईयर यानी साल दर साल से चला आ रहा है, क्या है कि एंडलेस जो कभी खत्म ना होता है, ठीक है। झंझट किन दो किन में, सेंट्रल गवर्नमेंट में और दिल्ली गवर्नमेंट में, ठीक है। रैंगलिंग क्या आ रहा है, चलता आ रहा है। अच्छा अब बोलोगे तो हैज बीन लगाया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया क्योंकि यहाँ पे टाइम भी तो दे रखा है, अदरवाइज अगर टाइम नहीं दे रखा होता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिखते इसे, ठीक है। तो उसी में बनाया हुआ है, चलता आ रहा है, हालांकि मेन वर्ब नहीं है इसलिए ऐसा फील हो सकता है, लेकिन है उसी में। आगे देखिए, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिपीटेडली, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार, रिपीटेडली मतलब बार बार, रिपीट करके, शॉर्ट मतलब मांगा किसी भी चीज़ को, या ढूंढना सीख का मतलब, ठीक है। टू ले डाउन, ले डाउन का मतलब होता है बनाना किसी भी चीज़ को या लागू कर देना। द टर्म्स, टर्म्स का मतलब नियम वगैरह, ऑफ देयर रिलेशनशिप इन द वे द टेरिटरी इज गवर्न, कि जो टेरिटरी है दिल्ली को कैसे गवर्न किया जाएगा, उसके रिलेशन कैसे होना चाहिए, रिलेशनशिप दो गवर्नमेंट के बीच में, जो एक भारत सरकार है और एक आपका राज्य सरकार है जो कि स्टेट लेवल पर चुनी जाती है, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें तो उन दोनों में रिलेशन कैसा होना चाहिए, और मेन उसे गवर्न कौन करेगा दिल्ली को, ठीक है। इस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कई बार बोला उन्होंने, ठीक है। तो कौन किस पे क्या करेगा, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली जो पे कौन शासन करेगा, किसका ज़्यादा वर्चस्व रहेगा, ये इसने कोशिश करी थी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार पहले, ठीक है। लेकिन फाइनली अब वो डिसीजन अब आ पाया है, क्लियर है। तो मैंने हर एक पर्सपेक्टिव से कर दिया सॉल्व इसे, अब मैं करता हूँ न्यू सेंटेंस की ओर, ठीक है, और उसे हाईलाइट कर देता हूँ। छोटा सा सेंटेंस है, इसे समझने की कोशिश करना, क्या कहता है। इन द लेटेस्ट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट बोले तो डिसीजन, ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान बेंच, संवैधानिक बेंच हैज रूल्ड रूल्ड डैट द इलेक्टेड गवर्नमेंट डज इन नीडिड हैव कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि जो प्रशासनिक सर्विस है, ठीक है, उस पर एक्चुअली में वास्तव में कंट्रोल किसका रहता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का रहता है। तो जाहिर सी बात है दिल्ली में अपनी खुद की गवर्नमेंट है, ठीक, केजरीवाल की गवर्नमेंट है, तो उनका मुख्यतः क्या रहेगा, उस पर रूल रहेगा, ठीक है। यानी कि प्रशासन में सबसे ज़्यादा रोल किसका रहेगा, अब दिल्ली गवर्नमेंट का रहेगा क्योंकि डिसीजन आ चुका है, क्लियर। अब देखिए क्या कहता है ये वाला सेंटेंस, हालांकि हाउएवर इट इज़ लिमिटेड, ये थोड़ा सा लिमिटेड है, टू सर्विसेज, सर्विस के लिए रिलेटेड जो संबंधित है, टू द एक्सटेंट मतलब बढ़ाने के लिए, ऑफ करंट एग्जीक्यूटिव, करंट मतलब हाल फिलहाल की, एग्जीक्यूटिव मतलब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं, कार्यान्वित करते हैं, कार्यान्वित मतलब कार्य को करना, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव पावर, जो उसके अंदर लेजिस्लेटिव पावर है, विच एक्सटेंड टू ऑल सब्जेक्ट, वो सारे सब्जेक्टों में बड़ी हुई है, मतलब सारे सब्जेक्टों में कंट्रोल होगा, अंडर द स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, किस में, स्टेट लिस्ट जो होती है और कंकरेंट लिस्ट जो होती है, ठीक है, उन दोनों की बात करिए, दोनों में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पर सब क्या होगा, उनका एक्सटेंशन होगा, मतलब वो काम कर सकते हैं उस पर, एक्सेप्ट सिवाय, एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्ट के साथ क्या आता है, फॉर प्रीपोजिशन आती है, ध्यान रखना है, यानी के बिना या के सिवाय बोल सकते हो आप। थ्री एक्सक्लूडेड वंस, तीन सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो पब्लिक ऑर्डर है, ठीक है, पुलिस है एंड लैंड है, इन तीनों को छोड़ करके इनका क्या होगा, अब पूरा का पूरा रोल प्ले करेंगे ये अपना, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं कर देता हूँ आगे वाला सेंटेंस, आगे सेंटेंस क्या कहता है, मैं इसे पहले तो हाईलाइट करता हूँ, एक लॉ यहाँ से कॉमा लग के, ठीक है, इस तरह से ये हो गया, लो जी यहाँ तक सेंटेंस ओवर हो रहा है। अब क्या कह रहा है कि सेंटेंस, सेंटर्स आर्ग्यूमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आर्ग्यूमेंट है, तर्क है, डैट इन द एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति, ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर दिल्ली, इन दिल्ली के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की अनुपस्थिति, एंड इन व्यू ऑफ फ्रेज, अगर हम देखें फ्रेज क्या, इन सो फार यानी कि अब तक, एज सच मैटर इज एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी, कि जितने भी मैटर थे अगर देखें पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा या उसके तहत जो भी आते हैं वो यूनियन टेरिटरी में देखे जाते हैं, ठीक है, संघ में, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट ऑफ सर्विसेज विल नॉट फॉल अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट रिमिट, कि जितने भी जो काम हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं दिए जा सकते, सौंपे जा सकते, वॉज रिजेक्टेड, और ये बात किसकी, ये तर्क जो है रिजेक्ट कर दिया गया किसके द्वारा,
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसका था ये तर्क, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि सारे काम किसे नहीं सौंपे जा सकते, दिल्ली सरकार को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दिल्ली सरकार तो खुद से चुन के आई है, जब अगर चुन के आई है तो जाहिर सी बात है उसके पास अधिकार भी होना चाहिए काम करने के लिए। कोर्ट्स यूनैनिमसली, यानी कि सर्वसम्मति से, यूनैनिमसली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, वर्डिक्ट, सर्वसम्मति से डिसीजन आया रिजेक्ट, ठीक है, डिसीजन ने रिजेक्ट टू अटेम्प्ट टू रीड फ्रेज एज वन डेट इम्पोज एन एडिशनली लिमिटेशन ऑन इट्स लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर, कि यूनैनिमसली वर्डिक्ट ये बोला कि अगर आप ऐसा करते, जो फ्रेज आपने बोली है कि सारी चीज़ें दिल्ली सरकार को नहीं दी जा सकती, ठीक है, तो उस पर क्या लग जाएगा, लिमिटेशन लग जाएगी, जबकि वो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर उसके पास है, नियत है, काम करने के लिए चुनी हुई सरकार है, ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब अब आगे देखें सेंटेंस क्या कहता है, द कोर्ट हैज एम्फेसाइज्ड, यानी कोर्ट ने जोर दिया, द सुई जनरिस, सुई जनरिस मतलब यूनिक नेचर, यूनिक नेचर ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली का डिफरेंट ही नेचर है, शो डेट, ताकि इट्स यूनियन टेरिटरी स्टेटस इज नॉट यूज टू लिमिट, कि अगर मान लीजिए कि ये यूनियन टेरिटरी है तो ऐसा नहीं है कि इसके दायरे को लिमिटेड किया जाए, रोल ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, कि हमें ये भी तो देखना है कि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अब भले ही यूनियन टेरिटरी है तो ऐसा नहीं कि सारी पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, अगर सरकार चुनी हुई है तो उसके दायरे में भी काम आएंगे, उस पर भी पावर है काम को एग्जीक्यूट करने की, इसलिए दिल्ली सरकार क्या करेगी, अब काम कर सकती है वहाँ पर अच्छे से, क्लियर है। अब सेंटेंस देखिए ये क्या कहता है कि द फाइव जज बेंच, पांच जजों की जो बेंच थी जिसने अभी डिसीजन दिया था, रूलिंग मतलब डिसीजन दे रही थी, अगेन अंडरलाइन, कि अंडरलाइन का मतलब किसी चीज़ पर फोकस करना, ठीक है, जोर देना, द प्रिंसिपल दैट अ रिप्रेजेंटेटिव रिजीम शुड नॉट बी अंडरमाइन, कि ये मेन मुख्य बात क्या है, प्रिंसिपल वो ये है कि रिप्रेजेंटेटिव मतलब सरकार, कि जो सरकार है इज नॉट अंडरमाइन, उसे हम अंडरमाइन नहीं कर सकते, वो भी किसके द्वारा, बाय एन अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जो चुनाव हुआ नहीं है वो एक गवर्नमेंट जॉब ही तो है उसकी, यानी कि कोई LG आ गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गया, तो वो चुनाव हुआ नहीं है जनता के द्वारा, हमें जनता के द्वारा चुने हुए लोगों को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, उस पर अंडरमाइन नहीं कर सकते उसे, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। तो जाहिर सी बात है कि दबदबा आप किसका है, राज्य सरकार का बोल सकते हो, ठीक है, यानी कि जो चुनी हुई सरकार है उसका बोल सकते हो आप। तो अब केजरीवाल क्या करेंगे, अच्छे से मूव कर सकते हैं, अच्छे से वहाँ पर वर्क कर सकते हैं, देखते हैं क्या क्या चेंज आता है अगर उनके हाथ में अधिकार आ चुके हैं तो, बाकी तो चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी। अब देखिए ये सेंटेंस, अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहना चाहता है कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो केजरीवाल के लिए आया है, हु यानी केजरीवाल हैज़ बीन एम्ब्रॉयल्ड, वो क्या हैं, उलझ गए हैं इन ए प्रोलॉन्ग्ड, किसमें, जो लंबे समय से, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब लंबे समय से टसल, यानी कि जो टसाकसी चली आ रही थी दोनों के बीच में, किन किन के बीच में, देखते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ओवर सेवरल इश्यूज, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, सेवरल मतलब अनेकों, बहुत सारे इश्यूज थे जहां पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में काफ़ी क्या चले आ रहे थे, झंझट चले आ रहे थे, यानी टसल बोले तो झंझट, काफ़ी लंबे समय से, प्रोलॉन्ग बोले तो लंबे समय से, विल बी इलेटेड, अब क्या हो गए हैं वो, एकदम खुश हो गए हैं, कौन, अरविंद केजरीवाल, विद द कोर्ट्स रूलिंग, कोर्ट्स के डिसीजन से, डैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूनियन इंडिया इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ NCTD इज लिमिटेड, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, वो थोड़ा सा लिमिटेड है, कम है, बाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, किसके द्वारा, संवैधानिक प्रोविजन, नियमों के द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके क्या होंगे, उसमें प्रोविजन कम होंगे इन्वॉल्वमेंट का, ठीक है, एंड एनी फर्दर एक्सपेंशन, अगर कोई चीज़ बढ़ाई जाती है, ठीक है, वुड बी कंट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम फॉर गवर्नेंस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि हम इसमें आगे काम कर लें या अपना दायरा बढ़ा लें, तो वो क्या होगा, एक कंट्रेरी होगा, विपक्षी होगा कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के, ठीक है, ऑफ गवर्नेंस, यानी कि शासन करने के लिए मेन रोल प्ले कौन करेगा, दिल्ली सरकार करेगी, अगर अपना दायरा बढ़ाना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो क्या होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा।
ठीक है, यानी कि संवैधानिक नहीं होगा। क्लियर हो गया, अब मैं इसे हटा देता हूँ। अब नेक्स्ट सेंटेंस को करता हूँ हाईलाइट। अब यहाँ से मैं ये लीजिए, क्लियर है, अब ये सेंटेंस हो गया। अब ये क्या कहना चाहता है, ये देखिए कि हालांकि इवन येट एनदर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वर्डिक्ट, जो दूसरी बेंच थी उसने वर्डिक्ट किया था, अंडर स्कोरिंग द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ GNCTD, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट की बात हो रही है, मे नॉट बी इनफ टू एंड द अंडरलाइंग पावर स्ट्रगल इन दिल्ली एज लॉन्ग एज सेंटर कंटिन्यू विद इट्स एफर्ट टू क्लिप द पावर ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ इट्स एंटागोनिज्म टूवर्ड्स द आम आदमी पार्टी। ये क्या कहना चाह रहा है, हालांकि दूसरी जो बेंच थी वो अंडर स्कोर कर रही थी, थोड़ा सा कम कर रही थी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को, यानी कि जो चुनी हुई सरकार है उसको, ठीक है, मे नॉट बी इनफ एंड हो सकता है ये पर्याप्त रूप से खत्म नहीं हो पाए पावर स्ट्रगल की, पावर किसके पास एक्चुअल में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या दिल्ली गवर्नमेंट के पास, एज लॉन्ग एज जो इतने लंबे समय से चला आ रहा है सेंटर कंटिन्यू टू इट्स एफर्ट टू क्लिप पावर, क्लिप पावर मतलब उसको कम करना, ठीक है, पावर को किसकी, दिल्ली सरकार की पावर को क्या कर देना, पर कतर देना उसकी या लिमिटेड कर देना उसकी पावर को, बिकॉज ऑफ इट्स एंटागोनिज्म, क्योंकि ये विरोधी है, विरोधाभास है, क्योंकि सेंटर में गवर्नमेंट है BJP की और दिल्ली में गवर्नमेंट है वो है आम आदमी पार्टी की, तो जाहिर सी बात है जो उनका जो उनकी आइडियोलॉजी होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है विरोधाभास हो जाएगा, एंटागोनिज्म हो जाएगा टूवर्ड्स द आम आदमी पार्टी, इसीलिए कहीं ना कहीं ये झंझट रहा है। अब देखते हैं एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वही चीज़ फाइनल मानी जाएगी। क्लियर, अब मैं इसे कर देता हूँ, ये आपका हो गया सेंटेंस हाईलाइट, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ 5 ईयर सिंस द कोर्ट ऑब्जर्व, 5 साल हो चुके हैं जब से कोर्ट ने ऑब्जर्व किया डेट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट बिटवीन हाई फंक्शनरीज की, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक, ट्रस्ट मतलब जो विश्वास है बिटवीन दो लोगों के बीच में, हाई फंक्शनरीज इज नीडेड टू रिजॉल्व मैटर, कि वो मैटर को क्या करें सॉल्व करें, यानी LG और CM के बीच ये बड़े बड़े फंक्शनरीज हैं, तो इनके बीच जो भी मैटर है, जो भी टसल है, ठीक है, जो भी इशू है वो सॉल्व होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर, देयर इज नो साइन ऑफ कन्फ्लिक्ट अबेटिंग, लेकिन 5 साल हो चुके हैं लेकिन एक भी हमें साइन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि जो कन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में LG और CM के बीच में वो कैसा हो, अबेट होता हुआ दिखाई दे, यानी कि कम होता हुआ दिखाई दे, तभी जा कर के सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देना पड़ा, अगर पहले से हो जाता ये मैटर सॉल्व तो शायद कोर्ट डिसीजन ना देता, ठीक है, तो काफ़ी समस्याएं रही हैं। अब आगे देख लेते हैं सेंटेंस क्या कहता है, इन प्रैक्टिकल टर्म अगर हम व्यवहारिक तौर पर देखें, द प्रोविजंस मतलब नियम ऑफ द GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2021 यानी कि 2021 वाला जो अमेंडमेंट हुआ था, विच शॉर्ट द स्ट्रेंथन जो डिमांड करता है, शॉर्ट टू मतलब डिमांड करने के तरीके से, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करने के लिए द हैंड ऑफ LT, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द रूलिंग दिल्ली, कि दिल्ली में जो गवर्नर हैं उनको मजबूत करना है, क्या करना है, जो अमेंडमेंट हुआ उसके तहत तो ये कहा गया है कि जो LG है उसकी पावर को मजबूत करना है, मे कंटिन्यू टू बी सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, जिससे होगा क्या कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मे का यूज़ किया है, कंटिन्यू लगातार सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, लेकिन इससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट चलता जाएगा अमेंडमेंट करने से, मान लिया अमेंडमेंट कर दिया क्योंकि वो तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में, अमेंडमेंट किया और करते ही वो ऐसा सीन आ रहा है कि LG के पास ज़्यादा पावर होगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बोला है, ठीक है ना, तो कन्फ्लिक्ट बना रहेगा अगर LG के पास पावर ज़्यादा होगी, दैन वैलिडिटी ऑफ इट्स प्रोविजन इज ऑल्सो अंडर चैलेंज बिफोर सुप्रीम कोर्ट एन इंडिकेशन दैट द लीगल टसल इज हार्डली ओवर, कि जो वैलिडिटी है ऑफ इट्स प्रोविजन जो नियम है उसकी वैलिडिटी है वो अंडर चैलेंज है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है वो अभी भी, कि जो अमेंडमेंट हुआ है वो ठीक है या नहीं, एन इंडिकेशन ये दर्शाता है डैट द लीगल टसल जो कानूनी टसल है, कानूनी झंझट है, हार्डली ओवर कि मुश्किल से ही ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर ज़्यादा होती है और उसने अगर कोई अमेंडमेंट करके रूल बना भी दिया तो जाहिर सी बात है LG फिर से पावरफुल हो जाएंगे, और LG पावरफुल हो जाएंगे तो दिल्ली का जो CM होगा वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि CM को किसकी बात माननी पड़ेगी, LG की, जबकि जनता द्वारा चुना हुआ कौन है, CM, और ये तो कौन है, केवल अपॉइंट किए हुए हैं,
एलजी, ठीक है ना। तो पावरफुल कौन हुआ, एलजी हुआ ना वहाँ पे दिल्ली के अंदर। फिलहाल देखते हैं, देखो सुप्रीम कोर्ट ने भले ही रूल ऐसे दे दिया है, डिसीजन दे दिया है, लेकिन बाद में क्या होता है वो तो बाद में पता चलेगा। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप शो आपने एन्जॉय किया होगा एडिटोरियल को, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।